मुलायम सिंह का घर कैब को लेकर दो फाड़ हो गया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कैब के खिलाफ है, लेकिन मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव इसके समर्थन में उठ खड़ी हुई हैं। अपर्णा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जो भारत का है उसे रजिस्टर में अंकित होने से क्या समस्या है। अपर्णा ने जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 16 दिसंबर के हैशटैग का इस्तेमाल किया है। अपर्णा ने NRC के विरोध पर भी सवाल दागे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब अपर्णा ने मोदी सरकार के फैसले को अपना समर्थन दिया हो। इसके पहले वे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी मोदी सरकार का समर्थन कर चुकी हैं। अपर्णा समाजवादी पार्टी में हैं। विधानसभा के चुनाव में उन्हें सपा के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा था। कैब को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस, TMC सहित कई विपक्षी पार्टियां इस एक्ट का विरोध कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से अलग राय जताकर अपर्णा ने पार्टी में एक दूसरी लकीर खींचने की कोशिश की है। जाहिर है कि अखिलेश यादव को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अपर्णा अखिलेश से इस बात पर भी नाराज है कि विधानसभा उपचुनाव में उन्हें पार्टी का टिकट नहीं दिया गया, तब भी अपर्णा ने खुलकर अपने मन की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर कांग्रेस देश भर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर सभी नेता इसी काम में जुटे हैं। कांग्रेस के सारे सहयोगी भी उसका पूरी तरह साथ दे रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी को बार बार झटका देकर निकल जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर उद्धव चाहकर भी सोनिया गांधी का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि PM मोदी और अमित शाह उनके वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। इसी मजबूरी में फंसे उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति से मिलने वाली विपक्षी प्रतिनिधि मंडल में अपनी पार्टी के किसी नेता को नहीं भेजेंगे। कैब को लेकर विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे इस कदम पर भी सोनिया गांधी का साथ नहीं देंगे। सावरकर के सवाल पर भी राहुल और उद्धव ठाकरे की भिड़ंत हुई थी। तब संजय राउत ने राहुल गांधी को खूब सुनाया था और उन्हें सावरकर के बारे में पढ़ने की सलाह दी थी। हालांकि कांग्रेस को खुश करने के लिए संजय राउत कहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून पर महाराष्ट्र की कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये सब कहने की बात है। इस कानून को लागू होने से रोकने का अधिकार किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी जो खेल बंगाल में खेल रही हैं, वह कहीं उन पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि बतौर CM उनके आचरण को लेकर जो संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं उसका इशारा इसी तरफ है कि कहीं बंगाल में कुछ बड़ा न हो जाए। ममता बनर्जी खुद को सबसे ऊपर मानकर चल रही हैं, कैब को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हैं। ये बात राज्यपाल जगदीप धनखड़ की समझ से बाहर है, इसी वजह से उन्होंने ममता बनर्जी को राजभवन में तलब किया है। लेकिन ममता बनर्जी राजभवन जाएंगी और राज्यपाल को हालात की जानकारी देंगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को बुलाने पर राज्य सरकार के अधिकारियों तक उनके पास नहीं जा रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में व्याप्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने ममता बनर्जी को निजी तौर पर राज्य के हालात से अवगत कराने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार से सख्त रुख अपनाया है और हिंसा को रोकने के लिए किए गए काम की पूरी जानकारी मांगी है। ममता बनर्जी कैब के खिलाफ रैली कर रही है, जिसे राज्यपाल ने असंवैधानिक और भड़काऊ कृत्य बताया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना कैसे कर सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा कराना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद के सदस्यों को राजी करना होगा।
पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया है और अमेरिका को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अमेरिकी राजदूत केली क्रॉफ्ट को पिछले हफ्ते एक चिट्ठी लिखी गई थी। कुरैशी ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान को अलग थलग करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये भी आरोप लगाया है कि भारत ने नियंत्रण रेखा के आसपास की बाड़बंदी को हटा दिया है। कुरैशी ने ये बताने की कोशिश की है कि भारत ऐसा झूठा आधार गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि वे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से ये अपील की है कि वह एलओसी की निगरानी के लिए बने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान को मजबूत करे, क्योंकि ये ग्रुप सिर्फ पाकिस्तानी साइड में ही एलओसी की मॉनिटरिंग करता है और भारत काफ़ी सालों से इसे अपने यहाँ इजाज़त नहीं दी है, लेकिन भारत ने दोनों को मात देने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिया है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के साथ बातचीत करके इस कश्मीर के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं कराने का प्रयास कर रहा है। भारत अमेरिका के संपर्क में है और पिछली बार की तरह इस बार भी अमेरिका भारत का साथ देगा। फ्रांस भारत का साथ देने के लिए तैयार है, हालांकि ब्रिटेन की नीति ढूलमुल रही है, लेकिन बोरिस जॉनसन को बहुमत मिलने के बाद भारत को समर्थन मिलेगा। अस्थायी सदस्य जर्मनी और पोलैंड भी भारत का समर्थन कर सकते हैं। भारत का पारंपरिक दोस्त रहा रूस इस बार भी साथ देगा। इस तरह कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। जब तक उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बने थे, तब तक वे हर वक्त किसानों की याद में आंसू बहाया करते थे। सामना में किसानों के मुआवजे पर बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती थी। तूफान पीड़ित किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 दिए जाने की बात खुद शिवसेना किया करती थी, लेकिन जब सरकार बनी, उद्धव ठाकरे सीएम बने, उसके बाद शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही किसानों को भूल गई। इसी वजह से सरकार ने अब तक उन्हें किसी तरह का मुआवजा देना तो दूर, इस बात का ऐलान तक नहीं किया है कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक आज उद्धव ठाकरे को यही याद दिलाने की कोशिश करने जब सदन में आए, तब उद्धव ठाकरे के विधायकों को मिर्ची लग गई। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी विधायक उद्धव को उनकी बात ही याद दिला रही थी कि शिवसेना के विधायक उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे। हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ शान से कहते हैं कि मैंने बीजेपी विधायकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले बैनर खींच लिए। उद्धव ठाकरे अपने विधायकों की नौटंकी देखते रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे सदन और सदन के बाहर इसी तरह की हरकतें करते हुए सरकार चलाएंगे? बीजेपी के विधायक तो सिर्फ सरकार से शिवसेना की मांग पूरी करने को कह रहे थे। बीजेपी के तेवरों से साफ है कि उद्धव ठाकरे चाहे जो करे, लेकिन बीजेपी उन्हें कोई आसान रास्ता नहीं देने वाली। नागरिकता कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश के कई इलाकों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाई जा रही है, इसलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस हिंसक प्रदर्शनों के खिलाफ उचित कदम उठाए ताकि सार्वजनिक संपत्ति और लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस कानून के बारे में फैलाए जा रहे अफवाहों पर नियंत्रण बनाएं और हिंसा की फर्जी खबरों को रोकने के लिए कार्रवाई करें। ध्यान रहे कि नागरिक संशोधन कानून को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों पर बसों में आग लगा दी गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को निर्देश देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। इससे दूसरे प्रदर्शनकारियों के भीतर डर खत्म हो गया है और इसके कारण हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सख्त हिदायत दी है ताकि हिंसक प्रदर्शनों पर रोक लगाई जा सके और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नागरिकता कानून पर पूरे देश में हंगामा मचा रही कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी ने सीधी और बड़ी चुनौती दी है। झारखंड में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस समेत उन सभी दलों को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे खुलकर घोषणा करें कि वे पाकिस्तान से आने वाले हर पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। देश उनका हिसाब चुकता करेगा। कांग्रेस में हिम्मत है तो वो ये भी घोषणा करे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वे फिर से आर्टिकल 370 लगवा देंगे। उनमें हिम्मत है तो कहे कि वे तीन तलाक कानून को रद्द कर देंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। यही वह कांग्रेस है जिसने अवैध तरीकों से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया और उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपको ये भी समझना होगा कि कहीं कुछ पार्टियां कथित अर्बन नक्सल और अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं। आपकी बर्बादी के पीछे इनका षड्यंत्र तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चारा घोटाले में फंसे लालू प्रसाद जेल की हवा खा रहे हैं। अब कुछ ऐसी ही नौबत राबड़ी देवी और उनके नौटंकीबाज बेटे तेज प्रताप के साथ भी आ गई है। लालू प्रसाद की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय ने इनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज कराया है, जिसके कारण राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले गैर जमानती होते हैं, इसलिए संभव है कि जल्द ही इन दोनों को पटना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी के कुछ महीने बाद ही नाटकीय तरीके से तेज प्रताप ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे दी। तब से अब तक ऐश्वर्या लालू प्रसाद के परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पिछले दिनों भी इसी तरह की नौटंकी हुई थी, तब भी ऐश्वर्या लालू प्रसाद के परिवार पर आरोप लगाते हुए बाहर निकल गई थी, लेकिन बाद में दोनों परिवार के बीच समझौता हुआ और ऐश्वर्या राबड़ी देवी के पास लौट आई। लेकिन ऐश्वर्या का लौट कर आना ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। अब ऐश्वर्या ने सीधे राबड़ी देवी पर ही मारपीट के आरोप लगाए हैं। ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय कहते हैं कि राबड़ी देवी को गिरफ्तार कराकर ही दम लेंगे। पटना के महिला थाने में ऐश्वर्या ने अपनी एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें दहेज प्रताड़ना, मारपीट और धक्का मारकर घर से बाहर निकालना जैसे आरोप हैं। राबड़ी देवी को मुख्य आरोपी बनाया गया है और तेज प्रताप तथा मेसा भारती को दहेज के लिए दबाव बनाने और तंग करने के आरोप लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी, हम पुलिस को केस दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं।
यही नहीं, जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हिंसा करने वाले छात्र नहीं थे, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, हिंसा किसने की। वकील की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि आखिर बस में आग किसने लगाई। उन्होंने बताया कि हिंसा के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार बताया और कहा कि इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए समिति बनाने से भी इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट और संबंधित राज्यों के पक्ष सुनने के बाद तय करेंगे कि इस मामले में रिटायर्ड जजेस की जांच समिति बनाई जाए या नहीं। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले हिंसा रुकनी चाहिए और इसके बाद ही सुनवाई की जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। इसमें हिंसक प्रदर्शन करने वाले छात्रों का नाम है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि छात्रों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई न हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस केस तो दर्ज करेगी ही। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पुलिस की कार्यवाही को उचित बताया है, उससे कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। धरने पर बैठने वाली प्रियंका गांधी को भी इस फैसले से धक्का लगा है। इन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया था। देश किसके बाप का है, इसको अपनी जागीर कौन समझता है, ये कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता। कांग्रेसी नेता तो यही मानते हैं कि भारत गांधी परिवार का है और गांधी परिवार उनके माता पिता हैं। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही नागरिक संशोधन बिल पर, राम मंदिर पर, धारा 370 जैसे मुद्दों को लेकर फैसला हुआ तो अब कांग्रेस नेता ज्ञान दे रहे हैं कि देश किसी के बाप का नहीं है। जेल की हवा खा चुके और नया नया कांग्रेसी बने हार्दिक पटेल अब बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी का आरोप है कि इसमें कांग्रेस शामिल है। उधर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हार्दिक पटेल ने चर्चित शायर राहत इंदौरी का एक शेर ट्वीट किया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। इसी के साथ हार्दिक ने यह भी लिखा कि मुझे लगता है थोड़ा वक्त लग जाएगा कुछ लोगों को ये बात समझने में कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये वही हार्दिक पटेल हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन 4 दिन कांग्रेस में क्या रह लिए, कांग्रेस की भाषा बोलने लगी।